क्लास नाइन्थ की एक्सरसाइज 10.5 का क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे सामने, जिसमें कह रहा है प्रूव दैट ए साइक्लिक पैरेललोग्राम इज ए रेक्टेंगल। एक साइक्लिक पैरेललोग्राम दे रखा है हमें, ठीक है। पैरेललोग्राम का मतलब होता है अपोजिट साइड्स पैरेलल होना और अपोजिट एंगल्स इक्वल होना। हमें प्रूव करना है कि एक साइक्लिक पैरेललोग्राम वो एक रेक्टेंगल होगा। तो मान लेते हैं लेट ए बी सी डी इज ए साइक्लिक पैरेललोग्राम। लेट ए बी सी डी इज साइक्लिक पैरेललोग्राम, ये हमें एक साइक्लिक पैरेललोग्राम दे रहा है। तो साइक्लिक पैरेललोग्राम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो चाहे साइक्लिक पैरेललोग्राम, ठीक है, तो उसके अपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है 180। तो मैं कह सकता हूं एंगल ए प्लस में एंगल सी इक्वल्स टू 180। और इसी तरह से मैं कह सकता हूं एंगल बी प्लस में एंगल डी, अपोजिट एंगल्स का सम कितना 180। एंगल बी प्लस में एंगल डी इक्वल्स टू 180। दोनों क्यों होंगे? क्योंकि सम ऑफ अपोजिट एंगल्स इन साइक्लिक पैरेललोग्राम आर इक्वल, सॉरी सम इक्वल नहीं, सम आर 180 डिग्री। किसी भी साइक्लिक पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स का सम जो होता है वो होता है 180, ठीक है। ये तो हो गई हमारी फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन, ठीक है, ये वाली हमारी फर्स्ट और ये वाली सेकंड इक्वेशन। अब मैं कहता हूं कि एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी और एंगल बी इक्वल्स टू एंगल डी। एंगल ए और सी इक्वल होंगे, ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे और ये वाला एंगल भी इक्वल होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है, ये भी इक्वल होंगे, ठीक है। तो ये हो गई हमारी फोर्थ और ये हो गई हमारी फिफ्थ इक्वेशन, ठीक है, सॉरी ये थर्ड होगी, ये थर्ड और ये वाली हो गई फोर्थ। तो हमें बाय फर्स्ट इक्वेशन में मैं कह सकता हूं एंगल ए प्लस में एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल ए और एंगल सी 180 है और एंगल ए और सी इक्वल भी है, तो मैं कह सकता हूं सी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं एंगल ए। तो एंगल ए प्लस में एंगल ए इक्वल्स टू 180 डिग्री और ये हो जाएगा टू एंगल ए इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल ए, टू को हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा डिवाइड में, तो एंगल ए इक्वल्स टू 180 डिग्री बाई टू, कैंसल आउट करने पर आएगा हमारा 90 डिग्री। तो एंगल ए आ गया हमारा 90 डिग्री और एंगल ए जितना है उतना ही एंगल सी है, तो एंगल ए अगर हमारा 90 है तो एंगल सी भी हमारा 90 होगा। इसी तरह से बाय सेकंड इक्वेशन, ठीक है, बाय सेकंड इक्वेशन मतलब हमारा ये आ गया 90 डिग्री और ये भी क्या आ गया 90 डिग्री, ठीक है। इसी तरह सेकंड इक्वेशन क्या है हमारी एंगल बी इक्वल्स टू एंगल डी, सॉरी एंगल बी प्लस में एंगल डी इक्वल्स टू 180। एंगल बी प्लस में एंगल डी इक्वल्स टू 180 डिग्री और एंगल बी और डी इक्वल भी हैं, तो मैं बी की जगह क्या लिख सकता हूं डी। तो एंगल डी प्लस में एंगल डी इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये हो जाएगा टू एंगल डी इक्वल्स टू 180 और एंगल डी इक्वल्स टू 180 बाय 2। 2 को हमने दूसरी तरफ शिफ्ट किया तो इसको कैंसिल आउट करेंगे तो आ जाएगा 90 डिग्री। तो एंगल डी जो है हमारा वो 90 डिग्री, अगर डी 90 डिग्री है तो बी भी उसके इक्वल ही है, तो एंगल बी भी हमारा क्या होगा 90 डिग्री। तो डी इक्वल्स टू एंगल 90 और इक्वल्स टू एंगल बी, मतलब हमारे सभी एंगल्स क्या आ गए 90 डिग्री के, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जिसके सभी एंगल्स, मैं थोड़ा सा रब कर रहा हूं, ठीक है, अगर आपने नोट डाउन नहीं किया है तो वीडियो में को रिज्यूम करके या वीडियो में बैक जाके आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो ऑल एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर 90 डिग्रीज, देन
it is a rectangle. किसी भी पैरेललोग्राम के सभी एंगल्स अगर 90 डिग्री हैं तो वो क्या होगा, हमारा एक रेक्टेंगल होगा. ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रूफ.